गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। ये टूर है जो शॉर्ट में तो नहीं कर सकता, बाकी छोटे छोटे वीडियो मैंने पहले ही डाल दिए थे यूट्यूब चैनल पे, बट ये हमारा वियतनाम का टूर है। जब हम वियतनाम गए थे, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा और कैसा रहा टूर, इसमें काफ़ी नॉर्मली मैं ट्राई करता हूँ कि एक जनरल वीडियो लूँ, कैमरे में कोई एडिटिंग नहीं करता, इसलिए वो अनएडिटेड वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल चुका हूँ। फिर कई लोगों ने बोला कि अगर आपने डाला है तो एक साथ ही बना के उस पर एक जर्नी जैसा बता दीजिए। तो ये मेरी पहले दिन की जर्नी है जब हम लोग मुंबई से वाया कोलकाता पहुँचे, कोलकाता से हम हनोई जो कि वियतनाम की राजधानी है वहाँ पहुँचे। और अच्छा था, ये अभी हम जस्ट गए थे तो नवंबर में, तो उतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, बट बहुत ही अच्छा मौसम था। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि वियतनाम, एक्चुअली सब लोग जानते हैं कि मोस्टली लोग पहचानते हैं वियतनाम को क्योंकि अमेरिका से युद्ध हुआ जिसमें इन्होंने हार नहीं मानी और 25 साल तक वो युद्ध चला। और ऐसा पहली बार हुआ था कि अमेरिका जैसी कंट्री को, एक नॉर्मल कंट्री जिसको वो लोग तीर वाले की कंट्री समझते थे, उन्होंने हरा दिया था। यहाँ पर गाड़ियाँ बहुत अच्छी रहती हैं, ये कार देखिए आप, एक दो इनकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी हैं, बट मोस्टली जो मुझे यहाँ पे दिखी जापानीज कंपनीज दिखी वो काफ़ी थी। अभी ये तो निशान की गाड़ी है तेरा, यहाँ पे नंबर 19826574 इस पैटर्न में लिखते हैं। अभी मुझे नहीं पता कि 19 है मतलब 19 क्या है और ये कैसे है, वो डिफाइन नहीं है, बट हनोई एक कैपिटल सिटी है जिस जो काफ़ी क्लीन है। और यहाँ पे प्रेसिडेंशियल निवास है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, इनका सबसे बड़ा ब्रिज है जो नदी के ऊपर से गुजरता है जो कि चाइना से होते हुए आती है, द लॉन्गेस्ट रिवर वो लोग बोलते हैं, तो उसमें है। ये ब्रिज शुरू हो रहा है जो हम लोग बात भी कर रहे थे ना कि इको हो रही आवाज़, तो मैं इसको इको को कम कर रहा हूँ और शायद ये आवाज़ आपको थोड़ी जानी पहचानी लगे। तो मैं इस ब्रिज के बारे में बता रहा था, ये यही वो ब्रिज है जो काफ़ी लंबा ब्रिज है और एक रिवर पे बना हुआ है। तो और यहाँ पे कैसा है कि अगर आप इंडिया से जा रहे हैं ना तो यहाँ पे ड्राइविंग उल्टी है, यानी US की फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ राइट साइड जैसे राइट में रहता है ना, हम ड्राइवर राइट में रहता है, इनका लेफ्ट में रहता है, वो मैंने ऑब्जर्व किया था। और आप ये देख सकते हैं एकदम मॉर्निंग है और काफ़ी था। अगर आपने ईस्ट इंडिया घूमा है और यहाँ घूमा है तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी ना यहाँ पे, इनका खाना, डेफिनेटली हम मसाले खाने वाले लोग हैं तो उतना अच्छा नहीं लगता है, बट आप इन उस खाने के कारण इनकी फिजिक बहुत सही रहती है। मतलब हमारे 7 डेज का टूर था लेकिन हम सही में गिनती करेंगे ना तो एक दिन ये देखिए वाव मोमेंट है, एकदम सही ब्रिज ब्रिज है और आप देख सकते हैं इतना। नॉर्मली अगर आप मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट लेते हैं तो 4 hours 30 minutes की फ्लाइट रहती है हनोई के लिए। और इनकी सबसे बड़ी सी फेमस सिटी है होचिमिन, सो होचिमिन यानी साइकॉम, सो नॉर्मली वहाँ के लिए भी फ्लाइट मिलती है। तो कई बार क्या दिक्कत होती है कि लोग हनोई में कर लेते हैं कि चलो पहले हनोई जाएंगे और वहीं से ही आने जाने का कर लेते हैं, कई बार ये होता है, और कई बार ये होता है कि होचिमिन का कर लेते हैं और वो करते हैं। लेकिन आप अगर जब होचिमिन जा रहे हो, होचिमिन से आप हनोई जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल उनकी सिटी में, तो आपका आप हनोई से वापस होचिमिन क्यों आओगे, क्योंकि आपको वहाँ भी फ़्लाइट करनी पड़ेगी। फ़्लाइट ज़्यादा महंगी नहीं रहती, 2,500 में ही रहेगी, इंटरनल फ्लाइट की बात कर रहा हूँ। बट बेटर है कि आप उस हिसाब से प्लान करें कि आप हनोई पहुँचें, हनोई से फिर होचिमिन पहुँचें और वापस वहाँ से मुंबई आ जाएं। जब मैं फ्लाइट चेक कर रहा था, मैं तो टूर्स एंड ट्रेवल्स एक ग्रुप के साथ गया था, बात अलग थी, वहाँ पे मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। बट व्हेन आई जब मैं चेक कर रहा था तो मैंने ये देखा कि होचिमिन जब हम जाते हैं, ये सब कुछ पिक्स हैं और ये हम एक ब्रिज पे पहुँच गए थे इनके सिटी में। आप इनके मैं उस कहानी को आगे भी बढ़ाऊंगा, बट मैं चाह रहा था कि पिक में जो आए तो उनको देख लूं। ये एक फ्लावर मार्केट है एंड जो मेरा गाइड था वो मार्केट 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 बोल रहा था, मुझे समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या बोलना चाह रहा है,
बाद में आई रियलाइज्ड इट कि ही वाज टॉकिंग अबाउट द मार्केट. सो अभी फ्लावर मार्केट आने का है, सॉरी मैंने पहले ही बोल दिया. बट ये एक तरह से आप कह सकते हो कि मुंबई वाले हैं तो जैसे हमारा ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है सिटी के बीच में, वैसे ही उनका भी ये हाईवे. आप कहीं भी जाना हो आपको इसके ऊपर से ही, इस रास्ते से ही गुजरना पड़ता है. क्योंकि अगर हमने 3 दिन वहाँ बिताए, 2 दिन बिताए थे हनोई में, तो हमें मोस्टली इस रोड पे मैं आया और गया हूँ. खाना खाने जा रहे तब भी, कुछ करने जा रहे. हाँ, यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट बहुत अच्छे हैं काफ़ी. ये मांझी था, केला बनाना लीव्स था जिसमें हमने खाना खाया था, और रेस्टोरेंट ठीक ठाक है, आपको अपना घर का ही लगता है. बट मुझे ये लगता है कि हम लोग इंडियंस कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते. बट डेफिनेटली वो खाना टफ होता है हमारे लिए, लेकिन एक्चुअली हमें जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे करना चाहिए. देखिए, ये फ्लावर मार्केट है और यहाँ पे सुबह 8 बजे तक रहता है. और सबसे अच्छी बात जो गाइड ने बताई थी, इन लोग का एक पैटर्न है, ये अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं और शाम को 6-7 बजे तक खाना, इनका डिनर हो चुका होता है. ये घर में डिनर कर लेते हैं, उसके बाद ये बाहर निकलते हैं 8-9 बजे. जो हमने ऑब्जर्व किया, पहले हमें लगा कि भाई 6 बजे डिनर कर लेते होंगे तो जैसे हम लोग डिनर करके सो जाते हैं, ये भी सो जाते होंगे. नहीं, ऐसा नहीं होता. ये डिनर करने के बाद जो बाहर निकलते हैं सूप पीने के लिए, सूप या इनके जो भी रहते हैं डेजर्ट टाइप का आप कह सकते हैं, हम जैसे आइसक्रीम खाने के लिए निकलते हैं ना वैसे. लेकिन भाई बहुत भीड़ रहती है, मतलब ऐसा लगता है कि ये घर में बैठ के नहीं रहते, बाहर ही निकले रहते हैं. और एक चीज़ और अच्छी लगी, मैं इनकी दोनों सिटीज़ में घूमा, काफ़ी घूमा, आपको कहीं पर भी कचरा नहीं मिलेगा. ये भी एक एशियन कंट्री है, हाँ डेमोक्रेटिक नहीं है, लेकिन हम लोग यार डेमोक्रेटिक का अपना बहुत नाजायज फ़ायदा उठाते हैं. डेमोक्रेसी है तो हम कुछ भी करते, कहीं भी कचरा फेंक रहे हैं. स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था तो जब तक पीएम ने, गवर्नमेंट ने बार बार बोला, तो हम लोग कर रहे थे. और हकीकत था कि 60-40-70% लोग करने भी लगे थे. बट अगर अब देखा जाए वापस तो शायद 20-30% ही स्वच्छ भारत अभियान को पालन किया जा रहा है. हकीकत हो गई है, अब कचरे दिखने लगे हैं मुझे रोड पे, तो वो नहीं करना चाहिए. और यही फर्क पड़ता है जब आप बाहर जाते हो. लेकिन हम जैसे कुछ लोग रहते हैं जो टूर में भी मैंने देखा, वहां जाके भी वही काम करते हैं अब. लेकिन यही है कि वहां स्ट्रिक्ट है तो गाइड आपको पहले से बोल देता है, तो फिर आप हर चीज अपने बैग में डालते हो. यहाँ पे स्ट्रिक्ट नहीं है तो जहाँ जैसे ही मौका मिला आप खिड़की से बाहर, हाथ से बाहर, बैग से बाहर कुछ भी भेज देते हो. प्लीज आपकी कंट्री है, रिस्पेक्ट कीजिए. लेकिन वियतनाम के बारे में चलो बात करते हैं. ज़्यादा क्या बात करूँ, बहुत है यार, यादें रहती कभी कभी. या फिर ये इनकी एक रोड है जिसमें इन्होंने संगमरमर या टाइल्स से बनाया था उस साइड में, जो उस साइड की वॉल में आपको कलर दिख रहा है पेंटिंग. इसको मैं स्लो कर दूंगा तो आपको दिख जाएगा. तो आप इसको मतलब स्नैप भी लिया हुआ है, आप चाहो तो इसको, ये पूरी डिज़ाइन करीबन बहुत लंबी डिज़ाइन है और ये बहुत पुरानी बनाई हुई है. आई डोंट नो, मेरे गाइड ने बताया था लेकिन मुझे अभी याद नहीं है. बट ये पूरा उन्होंने हैंडमेड है और काफ़ी लंबा है. तो हनोई सिटी में क्या क्या है? हनोई सिटी में टेम्पल ऑफ लिटरेचर है, हो किम लेक है, हो ची मिन म्यूजियम है, एंड इम्पीरियल सिटेडल ऑफ हैंगलोंग है, एंड द होला प्रिजनर रेलिक है, थोंगलैंग वाटर पैपिट थिएटर है जो आप जा सकते हो, वन पिलर पलकोडा है, दैट इज़ अ गुड वन, जहाँ पे हम लोग गए थे, और नाथो लॉन ना ही है, मैं वहाँ नहीं जा पाया. लेकिन हनोई ओपरा हाउस जाना था बट नहीं जा पाया. ओपरा मैं होचिमिन में गया था और वो ऑसम एक्सपीरियंस था. वहाँ पे कैमरा रिकॉर्डिंग नहीं देते हैं बट क्या किया जाए. अभी हम लोग ये निकल गए खाना खा के करके और हम लोग बाहर निकल गए थे. और हम लोग ने निकले घूमने के लिए तो काफ़ी अच्छा था. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मोस्टली इस टाइप के स्कूटर आपको दिखेंगे, ये ऐसे स्कूटर या जो उससे वो आगे दिख रहे हैं आपको, वो स्कूटर दिख जाएंगे. और ये ड्रेसेस हनोई में मिलती हैं भाई. हमारे गाइड ने बोला कि नहीं आपको हो ची मिन में मिल जाएगी, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जो ड्रेसेस मिलती हैं हनोई में, वो क्वालिटी आपको हो ची मिन में नहीं मिलेगी. अगर आपको ये ड्रेसेस हनोई में मिल जाते हैं तो ले लीजिए. प्राइस नॉर्मली 1000-1200 के रुपए की बात कर रहा हूँ. अच्छे ड्रेसेस मिल जाते हैं, निगोशिएट करिए, निगोशिएट हो जाता है, प्राइस घटता है.
इनका मार्केट हमारे जैसा ही है, निगोशिएट करना पड़ता है आपको। सबसे अच्छी बात है एक्चुअली अच्छी बात ये रहेगी कि आप अपना जब आप यहाँ जाएं तो करेंसी पहले से लेके जाएं, वियतनाम करेंसी, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि 10,000 तक की शॉपिंग करेंगे आप, फॉर एग्जांपल 10,000 तक की मैं एक मिनिमम अमाउंट मान ले रहा हूँ, मिनिमम सही में आप करोगी वहाँ जाओगे तो, ये देखिए उनके घरों में भी ये आर्किटेक्ट बने रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कल्पचर बनाए रहते हैं, और अभी भी कई घर और कई ऐसी बिल्डिंगें मिल जाती हैं जो उनकी पुरानी हिस्ट्री को दिखाती हैं कि वो कैसे थे, क्या था। और काफ़ी कुछ आपको चाइनीज़ मूवी अगर आप देखते हैं, मैं चाइना नहीं गया हूँ बट चाइनीज़ मूवी देखे तो ये ऐसा लगता है कि हाँ चाइनीज़ मूवी में ये देखा है हमने, तो डेफिनेटली चाइना के अंडर में ही था वियतनाम पहले। अब ये था कि नहीं था, शायद था, पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, बट आई एम नॉट श्योर। बट चाइना का ही, चाइना ने कई बार किया है, इनके साथ रहे हैं तो काफ़ी इन्फ्लुएंस रहे हैं ये उनसे, नॉर्मली साउथ ईस्ट एशियंस कंट्री से, चाइनीज से, और फ्रेंच भी यहाँ पे हैं, राइट। तो ये चीज़ें हैं, और अगर इनका देखेंगे तो आपको रोड के साइड में ये मिल जाएंगे। दूसरी बात, अभी जैसे ये बैठे हुए भाई साहब दिखे मुझे, ये आपको फोटो साफ नहीं होगी बट जैसे दिखे मुझे तो नॉर्मली आपको ना एक चीज़ दिखेगी जो यहाँ पे है, जो हमने भी फील की, लेडीज़ बहुत काम करती हैं। आप विश्वास नहीं कर सकते कि अगर वो खुद 40 किलो की हैं तो 80 किलो का वजन उनकी बाइक पे रहता मिनिमम, जो हमें झोले बेच रही थी, जो कई चीज़ की ड्रेसेस बेच रही थी, टी शर्ट बेच रही थी लेडीज़ होटल में, प्लस सुबह 6 बजे वो पहुँच जाती हैं और रात के 11 बजे आप होटल में चेक इन करो ना वापस, जब आप वापस घूम के जाओगे तो आपको वहाँ पे मिलेगा। ये प्रेसिडेंशियल हाउस है जो हमने देखा था, यहाँ पे आप अगर बाहर से जा रहे हो या कहीं से भी जा रहे हो तो मिनी स्कर्ट, मतलब नी से नीचे वाले ऊपर वाले स्कर्ट्स अलाउड नहीं है, तो क्या अगर यहाँ पे जाएं तो आप पूरे कपड़े पहन के जाइए, वरना आपको अंदर जाने को नहीं दिया जाएगा म्यूजियम में। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ का ध्यान रखिए, और बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, वो आपको अलाउ नहीं करेंगे, अपने यहाँ जैसा नहीं है कि हाँ अरे हमारा कल हमारा जो मन करे पहन लो, नहीं वहाँ वो नहीं मानते, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। सो वो चीज़ ध्यान रखिएगा, इवन कोशिश कीजिए कि स्लीवलेस भी ना पहने, तो ऐसा ना हो कि फालतू का वहाँ जाके दिक्कत हो जाए और आप जा भी ना पाए अंदर जाके। ये हो ची मिन उनका म्यूजियम है जहाँ पे उनको रखा जाता है, जो वियतनामी लीडर थे हो ची मिन, उनकी बॉडी यहाँ पे डिस्प्ले कर रखी गई है और हिस्टोरिक है। ये अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे गार्ड ड्यूटी चेंज हो रही है, गार्ड ड्यूटी चेंज हो रही है, तो मतलब हर 2 घंटे में वो चेंज करते हैं, तो आप देखिए। और इनकी भाई मानना पड़ेगा डिफेंस और आर्मी इनको क्या रहता है समझ में नहीं आता है, हम 2 लोग एक साथ चलें तो नहीं चल पाते प्रॉपर, और ये देखिए कैसे करते हैं, आप इंजॉय कीजिए। थैंक यू। हर बार आवाज़ कम आ रही है ना, अलग आ रही है आपको, अरे तो इसका भी को कम कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही बता रहा था, यहाँ पे आपने देखा कि ये कैसे कर रहे हैं, माफ़ी करेगा मेरा हाथ से कैमरा कर रहा था, थोड़ा हिलता रहता है। तो इसमें यही है कि प्रेसिडेंट हो ची मिन जो कि म्यूज़ियम है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं हो ची मिन लिखा हुआ है, एक्चुअली ये रेस्टिंग प्लेस है वियतनामीज रिवोल्यूशनरी लीडर एंड प्रेसिडेंट हो ची मिन की, जो कि हैनोई वियतनाम में है। और ये बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है जो कि सेंटर में लोकेटेड है पा दिन स्क्वायर के पास, जहाँ पे वर्कर ऑफ पार्टीज वियतनाम का ऑफिस भी है। और इनकी जो डेथ हुई थी, मतलब वेयर हो
chairman of the worker of party of Vietnams from 1951 until his death in 1969. Read the declaration of independence on 2nd October 1950 established the Democratic Republic of Vietnam. ये विकिपीडिया से लिया है मैंने. It is open to the public every morning except Monday. तो ये भी ध्यान रखिएगा, आप मंडे जाएंगे तो ये आपको नहीं मिलेगा. सॉरी. और इस ये पूरी मतलब ये बिल्ड बनाया था 1973 से चालू किया था, दो साल के अंदर पूरी बिल्डिंग बना के रख दी थी. और ये बनाया था मेनली इनके लिए ही, हो ची मिन के लिए. 2 सितंबर 1973 ये विकिपीडिया का रेफरेंस है, तब लिया गया था, म्यूजियम बनाना चालू किया था और इनॉग्रेशन हुआ था August 29, 1975 में. और ये इंस्पायर्ड था लेनिन म्यूजियम से जो कि मॉस्को में है. बट इनकॉर्पोरेट डिस्टिंक्ट वियतनामीज आर्किटेक्चर एलिमेंट्स सच एज द स्लॉपिंग रूफ. ओके, अंदर तो हमें जाने नहीं दिया. आप ये गार्ड्स के फोटोज आप देख सकते हैं, मैंने कुछ स्नैप्स भी ले लिए थे ये. और ये 2 घंटे ऐसे ही खड़े रहेंगे, ये चीज ना अलग ही है. तो ये प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास ही आती है, हो ची मिन आप जाओगे प्रेसिडेंशियल पैलेस. प्रेसिडेंशियल पैलेस उससे जस्ट पहले था जो मैंने आपको बताया भी था, और वो भी वहीं पे है. और वो आज के टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम के रेसिडेंसी रहता है. और ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडोचीनिया जो थे उनके नाम पे पड़ा हुआ था. और इसके बारे में और कुछ मुझे विकिपीडिया मिल जाए तो बता दो. हाँ, ये 1900 से 1906 तक बनाया गया था. ये उसके आसपास की फोटोज हैं. सॉरी. और ये म्यूजियम है, तो म्यूजियम जब हम गए थे तब बंद हो चुका था और हमारे पास टाइम नहीं था. और वहाँ पे जो गार्ड घूमते हैं, आप गार्ड जो चल रहे हैं उनके चलने का वो देखो पैटर्न, वो कहीं भी चलें अकेले रहेंगे अगर ड्रेस में हैं तो उनको उसी पैटर्न में चलना है. वो मैंने देखा कि कहीं अकेले भी, ये तो ग्रुप में है तो वो सेम पैटर्न. तो इवन जब वो अकेले रहते हैं तब भी, अभी देखिएगा आप यहाँ पे ये गए, ये भी चल रहे हैं उसी पैटर्न में चल रहे हैं, मतलब उनको वही फॉलो करना है जबकि नॉर्मल चल रहे हैं. ये रेगुलेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. और आप देख सकते हैं ये मंदिर है, यहाँ पे बोला जाता है कि आप बेबी के लिए प्रेयर करते हैं लोग. एक पोल पे खड़ा हुआ मंदिर है, एक ही पोल पे पूरा ये मंदिर पूरा खड़ा है. अगर आपको बेबी नहीं हो रही आप यहाँ पे प्रे कीजिए तो वो हो जाता है, वैसा बोला जाता है. सो लोग आते भी हैं, कई हमने देखे तो कई बच्चों के साथ आए हुए थे. यानी जब होने के बाद लोग कहते हैं ना आप अपना थैंक यू बोलने आते हो, तो वैसा रहता है, आस्था है, क्या कर सकते हैं. तो इसको एक्चुअली 1 पिलर पगोडा बोलते हैं. तो जहाँ पे जो कि 1049 में बनाया था, डिजाइन टू रिसेम्बल एन लोटस ब्लॉसम. ओके, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं, आपको पता चल जाएगा. ये उसके अंदर की देवी रहती है ये. द पगोडा इज अ हिस्टोरिक बुद्धिस्ट टेम्पल इन द सेंटर बादिन डिस्ट्रिक्ट नियर द पालोंग सिडल हनोई. ये पूरा है. द वन पिलर पगोडा फॉर्मली बिलोंग्स टू एन आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स कॉल्ड दाई हुन टू विच मीन्स एक्सटेंड ब्लेस पगोडा. द पगोडा इज अ हिस्टोरिक बुद्धिस्ट टेम्पल इन द सेंटर डोमिनेट में, तो वही दिया हुआ है. तो यही चीज़ है और अच्छा था, बहुत प्यारा था. आप मतलब पता नहीं क्या होता है, लेकिन आप कभी भी किसी गॉड को देखते हैं तो आपको अच्छा ही लगता है. वो किसी की भी गॉड लगता है कि हाँ कुछ तो है इनमें अलग. ये अलग टाइप के फ्रूट डालते हैं, ये केले नहीं है या मिर्ची पकौड़ा भी नहीं है, ये अलग ही टाइप के फ्रूट्स रहते हैं जो यहाँ पे चढ़ते हैं. और काफ़ी पीस मिलता है एक्चुअली, अच्छा लगता है कुछ नहीं देख के. इनकी अगरबत्ती तो अलग ही थी, ये गिरती नहीं थी काफ़ी देर तक, इसका जलने के बाद भी रहता था. हमने ये भी देखा, अब देखिए काफ़ी डिजाइनिंग एक्चुअली, मैं क्या बताऊँ इसमें, काफ़ी चीज़ें रहती हैं. और जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया यार, और यहाँ पे मुर्गी चढ़ती है, ये पूरी मुर्गी है, चिकन है, ये पूरी चिकन है छील के रखा हुआ. हम मतलब इंडिया में कहीं जैसे हिंदूज मंदिर में मांस मच्छी नहीं चढ़ाते, यहाँ पे वो रखा रहता है उनके पास, पूरी छिली हुई मुर्गी रखी रहती है. तो वो प्रसाद जैसा रहता है, यानी जो भी वो आप खाते हैं आप सब कुछ भगवान को भी चढ़ा रहे हो, ऐसा है वहाँ पे. और ये डिफरेंट डिफरेंट गॉड हैं, मुझे नाम नहीं याद है, माफ़ी चाहूँगा. और लेकिन काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है और डिज़ाइन तो बाप रे, आप इनके मुकुट देखिए, इनकी डिज़ाइन देखिए, ये देखिए
आप ये देख सकते हैं कि पूरे फ्रूट्स रखे हुए हैं। और इनका टेम्परेचर इंडिया के टेम्परेचर के जैसे ही रहता है, ज़्यादा ठंडा नहीं, ज़्यादा गर्म नहीं, हमारे जैसे ही रहता है। तो जिस मौसम में आप जा रहे हैं वहाँ पे, तो आप मान के चलिए कि इंडिया के जैसा ही वेदर आपको वहाँ पे मिलेगा। तो भारत के हिसाब से ही आप अपने कपड़े पैक कर सकते हैं। और मैंने एक चीज़ और देखी, आप ज़्यादा कपड़े लेके मत जाओ, वहाँ पर काफ़ी सस्ते कपड़े मिल जाते हैं। और हकीकत में बोल रहा हूँ ये, आप अगर चाहें ना तो आप मुझको कुछ भी पैक मत करो, एक एक जोड़ी बस कपड़े ले लो एक दो दिन, एक दिन के लिए, उसके बाद वहाँ पे ही शॉपिंग करो, क्योंकि उनकी शर्ट की क्वालिटी जो मिलेगी वो आपको यहाँ नहीं मिलती है विथ दैट प्राइस, वो इम्पोर्टेंट है। तो शायद मिल जाए, लेकिन एक तो मैंने कपड़े देखे, एक दो शर्ट देखी, जो क्वालिटी भाई वो यहाँ क्वालिटी नहीं मिलेगी। और जो कपड़े की क्वालिटी वहाँ पर आपको 1000-2000 में मिल रही है ना, जैकेट, पैंट, टी शर्ट, जीन्स, वो यहाँ पे आपको 3,500-4,000 देने पड़ेंगे। तो वियतनाम काफ़ी अच्छा है शॉपिंग के लिए। तो जो मैंने 10,000 बोला था ना, 10,000 नहीं, 50,000 लेके जाओ, आपका पैसा वसूल हो जाएगा पूरे साल भर के लिए। अगर आप लेते हो फॉर्मल शर्ट्स, अगर आप जॉब करते हो, आपका बिजनेस है, आपको फॉर्मल शर्ट लगती हैं, तो फॉर्मल शर्ट्स वहाँ से कर दो, पैंट आप वहाँ से कर दो, वैसे कपड़े आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग वो वन पिलर टेंपल से निकल के फिर हम लोग वहाँ उनकी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में चले गए थे, जो हिस्टोरिकल यूनिवर्सिटी है। उस दिन हमने पहले दिन वही किया था। और यहाँ पे मोस्टली सब लोग बाइक में मिलेंगे आपको, बाइक चलाते हुए। और ये जो टोपी आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, इसको जूम करके आप कर लीजिएगा, ये टोपी मेल की रहती है, फीमेल की टोपी अलग रहती है, जो आपने मोस्टली पिक्चरों में देखा होगा। तो वो तिकोने टाइप की जो टोपी रहती है ना, वो फीमेल की टोपी रहती है, और मेल की थोड़ी सी कप टाइप की बनती है। हाँ, और यहाँ पे छोटी गाड़ियां भी आपको बहुत कम मिलेंगी, मोस्टली सिडान और बड़ी गाड़ियां मिलेंगी। मतलब आप बोलूँ ना मैं, अगर आप 100 गाड़ी देखोगे तो उसमें एक या दो गाड़ी आपको छोटी दिख जाएंगी, जैसे हमारी अल्टो, स्विफ्ट। स्विफ्ट भी छोटी गाड़ी में कहलाती है एक्चुअली। यहाँ पे डिजायर एंड डिजायर सब वाली गाड़ी ज्यादा मिलती है, एसयूवी। ये देखिए पार्किंग कहाँ पे घुसेड़ के रख दिया है, रोड पे अलाउ नहीं है तो उन्होंने फुटपाथ पे रखा। तो भाई फुटपाथ पे वो लोग भी इलीगल पार्किंग करते हैं, हम लोग नहीं। ये लेडीज़ की टोपी है, आप देख सकते हैं इसमें लेडीज़ की टोपी डिफरेंट है, उससे पहले जो था वो जेंट्स की टोपी थी। मोस्टली ये मार्केट इनका रोड साइड में लगता है, एकदम हमारे जैसा। मोस्टली जैसे मतलब हमारे जैसा मतलब मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मुंबई में नॉर्मली ऐसी रोड दिख जाती है। लेडीज़ की टोपी वो फिक्स्ड है, लेडीज़ वैसी टोपी पहनती हैं, जेंट्स दूसरे टाइप की टोपी पहनते हैं। तो वो कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आप जाएँ तो ऐसा ना हो कि आप लेडीज़ की टोपी लेके आ जाएं और यहाँ पे पहन के घूमें। ये यूनिवर्सिटी है, ये बैक से साइड है, हम लोग जा रहे हैं अभी। ये उनकी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, और ये मानना पड़ेगा कि इन्होंने संभाल के रखा है। इनके ऊपर उतने ऐसे आक्रमण भी नहीं हुए कि इनकी यूनिवर्सिटी को तोड़ा जाए। हमारे यहाँ भी नालंदा थी, तक्षशिला थी, हमारे तो मोस्टली जला दी गई, तोड़ दी गई। आप सबको पता है कि किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, क्योंकि इस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी को उड़ा दो, बुक्स को उड़ा दो, तो आप उस देश की पूरी हिस्ट्री को मिटा सकते हो, क्योंकि कोई भी हिस्ट्री आगे कायम रहती है विद द बुक्स। आपकी जो बुक रहती है या डेटा रहता है, अब डेटा आ गया, डिजिटल डेटा है, लेकिन डिजिटल डेटा में हेर फेर कर सकते हो आप, लेकिन बुक्स जो लिखी जाती हैं उससे आपका एज का पता चलता है, स्कैन करके रखते हैं लोग अभी तो, इसीलिए। तो वो है, लेकिन अच्छा है कि अभी गवर्नमेंट ने वापस नालंदा यूनिवर्सिटी शुरू कर दी है, लेकिन डेफिनेटली वो तो नालंदा नहीं मिलेगी ना जो चाणक्य के टाइम पे थी, राइट।
तो ये उनकी ओल्डेस्ट सिटी है, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। टेम्पल ऑफ लिटरेचर भी कहते हैं और सर्च मार रहा था। हाँ, इसको टेम्पल ऑफ लिटरेचर कहते हैं, जो कि हनोई वियतनाम में है। और इसके बारे में चलिए, ये विकिपीडिया से रेफरेंस है। इसमें लिखा हुआ है कि वैन मीन इज ए टेम्पल, जस्ट Venmin is a temple dedicated to the Confucius in Hanoi, northern Vietnam. The temple also hosts the Imperial Academy, Vietnam's first national university. ये first national university थी, तो आप समझ सकते हैं। और ये 1070 के टाइम पे बनाई थी Lee Than Tong ने। It is the one of the several temples in Vietnam which is dedicated to the Confucius, sages and scholars. 1070 में बनाई गई थी, तो आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये कछुए जैसा बना के रखते हैं, यहाँ पे कछुए को, ड्रैगन को और किसी को भी इन्होंने बोला था कि करते हैं, जिसको ये लोग मानते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको चार को है पक्षी, मैं भूल गया हूँ फिलहाल, सॉरी। इसीलिए कहते हैं कि जब आप टूर करने जाओ तो लिखते भी जाओ। तो यहाँ पे काफ़ी आते हैं, पुराने टेम्पल हैं, आपको ऐसे स्कल्पचर मिल जाएंगे पुराने। वीडियो आप देख सकते हो। एक्चुअली टेंपल था वहां पे, यूनिवर्सिटी बनाई गई थी 1076 में। तो वियतनामी ब्यूरोक्रेट्स, नोबल्स एंड रॉयल्टी एंड अदर मेंबर्स ऑफ द एलाइट को पढ़ाने के लिए। ओके, तो ऐसा था कि ये टॉप लोगों को पढ़ाने के लिए बनाए थे। द यूनिवर्सिटी रिमेंड ओपन फ्रॉम 1079 टू 1779। इन 18002 द न्युआंग डायनेस्टीज मोनार्च फाउंडेड द हू कैपिटल, वेयर दे एस्टैब्लिश अ न्यू इंपीरियल एकेडमी। द एकेडमी एट द हनोई टेम्पल लॉस्ट इट्स प्रोमिनेंस एंड बिकम अ स्कूल ऑफ द आउटडू डिस्ट्रिक्ट। ओके, जब उन्होंने वहाँ पे खोल दिया तो उसके बाद ये स्कूल जैसा हो गई थी। एंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1945 टू 54 द फ्रेंच डिमोलिश्ड पार्ट ऑफ द टेम्पल टू मेक एडिशनल रूम फॉर द सेंट पॉल हॉस्पिटल। सिंस हॉस्पिटल कैपेसिटी वॉज फुल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, कैंपेन ऑफ द रिस्टोरेशन वर परस्यूड इन 1920 एंड 1947 अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इक्वल फ्रेंच डीम। अच्छा, ऐसा हुआ, ठीक है। अच्छा, काफ़ी चीज़ें आपके कारण मुझे काफ़ी चीज़ें अभी खुद भी पता चल रही हैं, तो अच्छी बात है। ये पूरे टेंपल है, आप देख सकते हैं। और ये छोटे छोटे इनके क्या बोलते हैं, पेड़ों को डिफरेंट टाइम के बनाते हैं, उन्होंने हर जगह पे ऐसे पेड़ लगा के रख दिए हैं और छोटे, और वहाँ पे ये स्टोरी जैसा एक घर बना दिया है। देखिए कछुआ, तो फिर वहाँ पे बूढ़े बैठे हुए थे, आप अगर देखोगे तो स्टोरी टाइप का एक छोटा सा घर बना हुआ, बूढ़े बैठ के चेस खेल रहे हैं, छोटा ही पेड़ है ये। ये देखिए दो बूढ़े बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, तो ऐसा एक स्टोरी टाइप का आपको हमेशा मिल जाएगा, वो छोटे बना के रखे हैं। तो बहुत अच्छा लगा, ये छोटे छोटे चीज़ों पर भी उन्होंने ध्यान रखा है। ये हमारा पहले दिन का टूर था जिसमें हमने ये किया था, राष्ट्रपति भवन गए थे, आपको ये लेक पे गए, इसके बाद यहाँ से हम लोग मेन मार्केट में गए थे जहाँ पे लेक है। सॉरी,
लेक के पास में मार्केट बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको परचेजिंग करनी है तो आपको वहाँ पे ही काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, खासकर फ्रिज पे चिल लगाने के लिए मैगनेट्स, प्लस साथ में आपको ड्रेसेस जो मैंने बोली आप वो ड्रेसेस भी ले सकते हो वहाँ पे, तो सब चीज़ें वहीं पे आजू बाजू में मिल जाती हैं और काफ़ी अच्छा एरिया था। रात को आप खाना भी चाहो तो वहीं पे खा लो, अगर आप अकेले जा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे काफ़ी सेफ हो, ऐसी कुछ नहीं है। कुछ एरिया रहते हैं जो काफ़ी लेट तक घूमना अच्छा नहीं रहता, बट ये काफ़ी मार्केट वाला एरिया रहता तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। ये पूरा यूनिवर्सिटी में हम लोग घूम रहे थे और ये पूरी हिस्ट्री दी हुई है, आप हमारे पास तो टाइम नहीं था, बट ऐसी किसी सिटी में जाओ तो मुझे लगता है कि 2 से 3 दिन तो बिताना चाहिए अपने को वहाँ पे, क्योंकि तभी आपको सब चीज़ें पता चल जाती हैं, क्योंकि आप दोबारा तो नहीं जाने वाले हैं, राइट। अगर कोई वहाँ पे गया है तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम बार बार जा रहे हैं उस सिटी में, अगर आपको ट्रैवलिंग पसंद है तो आप हमेशा नई जगह पर जाना चाहोगे, राइट। जहाँ पे जा चुके हो देख चुके हो तो आप दोबारा जाओगे नहीं, तो बेटर होता है कि आप पहले जब जाओ तो पहले खुद ही स्टडी कर लो काफ़ी चीज़ें और वहाँ पे भी जाके कुछ ज़्यादा ही टाइम बिताइए, ऐसा नहीं कि बस बस में बैठ के देख लिया आपने, फटाफट टाइम का दिक्कत है। तो ये पूरा लेआउट है उनका और लेआउट आपको गूगल पे भी मिल जाएगा तो आपको पूरा पता चलेगा, जो मैंने आपको वीडियोस पार्ट वाइज दिखाई लेक मतलब अंदर ही खुद पॉन्ड बना हुआ था और कैसे हम लोग अंदर गए, ये पूरा ये पॉन्ड के पास आपको फोटो दिखी होगी तो हम आए तो, और यहाँ पे अभी वो जो टेंपल आपको दिखा ये टेंपल था यहाँ पे, तो एंट्री हमने वहाँ से की थी, ये टेंपल जो था ये लास्ट में था, तो काफ़ी रहता है वहाँ पे, तो ये पूरा लेआउट आपको काम आ जाता है, तो जब आप एक बार खुद अपनी आँखों से विजिट करें तो वो लेआउट आपको तुरंत ही याद आएगा, हाँ यहाँ पे गया था, ये कॉर्नर में गया था, स्ट्रेट ही है पूरा रेक्टेंगल पर, ये पुराने टाइम के उनके सामान हैं जो लोग यूज़ करते थे, 10 जैसे बोला 1000 शताब्दी में, ये उनकी ड्रेसेस हैं अभी भी जो टीचर्स और पुराने लोग रखे हुए हैं, तो आप उनके पूरे मिल जाते हैं, अभी भी इन्होंने काफ़ी संभाल के रखा है, और अच्छी बात भी है ना, आपकी एक सिटी को कर देते हैं। और सबसे ख़ास बात वियतनाम में जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पे लोकल अलाउ ही नहीं है, कई जगह आपको केवल यहाँ पे फॉरेनर मिलेंगे, लोकल अलाउ नहीं है। लोकल कभी कभी जैसे यहाँ म्यूजियम में आपको शायद दिख जाएंगे एक दो लोकल, बट जितने भी जगह पे हम लोग वियतनाम में गए लोकल्स को बैन करके रखा हुआ है, केवल टूरिस्ट ही उन प्लेसेस पे जाएंगे, इसके कारण वो भी रहता है। ये वो ट्रेन है, मार्केट का ट्रेन का रोड है जहाँ पे आपको बताया था ना कि वो ट्रेन आती मार्केट से, तो वैसी है एकदम सिटी के बीच से गुजरती। एक फोटो यहाँ पे मतलब बुक स्टोर बुक रोड थी, तो वहाँ पे कई लोग उतर गए थे बुक देखने के लिए, हम तो नहीं देखे। ये लेक मैं बता रहा था आप हनोई सिटी में, तो आप इस लेक पे इवनिंग बिता सकते हैं, पूरा आजू बाजू में अच्छा मार्केट है, खासकर यहाँ पे हमें क्या दिखता है मोस्टली ना कि फोटोग्राफ्स दिखते हैं, लोग आए हुए दिखते हैं, फॉरेनर्स आके वहाँ पे बैठे रहते हैं, आपको अच्छा लगेगा वहाँ पे बैठ के टाइम बिताना, इवनिंग खासकर वहाँ पे अच्छी लगती है क्योंकि सनसेट होता है तो आपको वो दिखेगा, एंड यू विल फाइंड मेनी पीपल देयर, तो आपको बोर भी नहीं लगेगा, हैपनिंग प्लेस है, पार्टी जैसा नहीं है चलो वहाँ पे है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे बैठ के। ये पूरा लेक ही है, हम लोग यहाँ पे गए थे, मार्केट भी है पास में, रेस्टोरेंट्स भी हैं, रोड रेस्टोरेंट्स हैं, अगर आपको रोड पे खाना है तो, और खाना बहुत सस्ता है, खाना बहुत सस्ता है, बस थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है क्योंकि हमारा 1 रुपया उनके 330 रुपये के बराबर होता है, और वहाँ पे 1000 रुपये के उनकी करेंसी से नीचे कोई नोट ही नहीं होती है, तो सब कुछ हज़ार हज़ार ही होता है, लाखों में होते हैं, हम मिलेनियर बन जाते हैं वहाँ पे, और वो कैलकुलेशन बहुत ही भारी पड़ता है। यस, सबसे अच्छी बात है इंडियन रुपीज़ भी वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कई जगह पे, अगर आपके पास इंडियन रुपीज़ हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं, बट कन्वर्जन चार्जेस ज़्यादा ले लेते हैं, तो बेटर है कि आप अपना वियतनामी करेंसी ही लेके जाइए। और ब्यूटीफुल लेक, ब्यूटीफुल गर्ल्स, ब्यूटीफुल ड्रेसेस, मुझे उनकी ड्रेसेस बहुत पसंद आई, और सबसे अच्छी बात हम लोगों को कॉम्प्लेक्स होता है हमारे पास वैसी बॉडी क्यों नहीं है, एकदम फिट लड़के, मतलब 6 abs वी शेप बॉडी, हम लोग तो अपना 1 pack लेके घूमते रहते हैं,
तो वो चीज़ अच्छी शायद उनके खान पान पर भी है, क्योंकि पूरा वैसे ही रहता है, खान पान का बहुत असर पड़ता तो ही है, तभी तो डाइट हो जाती है। ये है लेख, तो आप देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं, आप इंजॉय कीजिए। वो क्या वीडियो ख़त्म, आप देख सकते हैं आगे भी, बट मैं थक गया भाई, अभी तो पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव, सिक्स है, तो आप चाहो तो वो सब वीडियोस भी देख सकते हैं। और ये सब पूरा जो वीडियोस आपको दिखा रहा हूँ, ये मंदिर है, ये लेक है, तो आप वहाँ पे भी पगोडा, एक्चुअली यहाँ से भी आप एंट्री करके अंदर जाएंगे, आपको एक मिल जाएगा, टेम्पल पुराना है और अच्छा है, वो सीधे लेक के बीच में, तो यू हैव टू टेक पास, पास से वो एंट्री मिलती है, वरना आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो पास आप ले लीजिए और चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और मोस्टली ये चीज़ें अच्छी रहती हैं, और ये 3-4 घंटे, हाँ तब इस एरिया में अगर आप आते हो शाम को, 3-4 घंटे आराम से बीत जाएंगे। ये देखिए ड्रेसेस, ये ड्रेसेस देख, वाओ ड्रेसेस तो ये उनका फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, सो अच्छा था, इसको देख सकते हैं आप। और ये मेन सिटी में है, तो ऐसा कहीं नहीं कि आप कहीं दूर जाओगे, सब कुछ आस पास ही है, ज़्यादा नहीं है, मैंने बोला ना कि आपको वहीं पे घूमते रहोगे, तो उस एरिया में आजू बाजू में सब कुछ है। हनोई सिटी इसीलिए काफ़ी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि हनोई उतनी बड़ी नहीं है, हनोई अगर आप देखोगे तो स्क्वायर में भी हनोई का पूरा, हनोई का इंफॉर्मेशन देखता हूँ, पॉपुलेशन कितनी है, 83 लाख पॉपुलेशन है, तो ज्यादा थोड़ी ना, तो ये लेक है पूरी। और कुछ रहे तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं कमेंट्स में आपको आंसर दे दूंगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, बट एक्चुअली हर इंफॉर्मेशन आपको गूगल पे मिल जाएगी, सो आप इंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और आपका सजेशन ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये पहली बार है कि मैं अपनी आवाज़ के साथ वीडियो डाल रहा हूँ, वीडियोज़ बहुत काफ़ी डाले हुए हैं, आप अगर देख सकते हो बहुत वीडियो डालते हैं, नॉर्मली मैं इसको स्टोरेज जैसा भी करता हूँ, और रॉ वीडियोज़ भी हैं पड़े हुए मेरे इसमें, पूरे रॉ वीडियोज़ हैं, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, आपके लिए चाहिए, आई कैन मेक इट फ्री फॉर यू, यू कैन टेक इट, अगर आपको चाहिए, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि उस पर कॉपी राइट डालाओ और आपको दिक्कत हो जाए। ये लेक के सामने ही था, काफ़ी अच्छा है, जो ये उनके वॉर मेमोरियल जैसा आप कह सकते हो, जो लोग युद्ध में लड़े थे उनके बारे में, ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, ये वहाँ की कोई बाई हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सबका दिन शुभ हो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, आप सब मिलते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे की वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।